Hi everyone, this is Shweta. मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वा व्लॉग में आपका स्वागत है. वेलकम टू अवर चैनल. शेष सर सर सेनापति हम भी रहो का ट्रेलर आ चुका है जिसमें है प्रवीण धारडे कश्मीर मचानी. सो आइए देखते हैं. ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये रायगढ़. अब हिंदुस्तान हमारा है. तो अचानक ये हंबीरराव नाम की आंधी कहां से? ये आंधी है या कोई हल्की हवा? तनु सह्याद्रीचा कडा श्वास रोखुनी खडा. परिस्थिती जेवढी बिकट मराठा तेवढाच तिखट. शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कुणा एकाचा नसतो. तो एकाच वेळी समद्या रयतेचा असतो. पण त्याआधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल. कारण संभाजी पुन्हा एकदाच माफ करतो, नंतर गुन्हेगार साफ करतो. मी आता औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ देणार. इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत झोपवून त्याला खड्ड्यापर्यंत आणायची जबाबदारी माझी. तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळो. अरे युद्धात झालेल्या जखमेत कधी एक ना दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छाती पाहिजे, कुठतरी पाठ ठेवू नये. एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो. छातीची चाळण कर पण पाठीची गाळण नाही उदाहरण. एवढी अवघड मोहीम आखलीत खरी, पण खास खळग्यांची जाणीव असा. सरजा खान एक ऐसी ताकत है जो हमेशा आखरी वक्त काम. त्या सरजा खानाकडे काय मन आग रोखणाऱ्या तोफ आहे. कारण मराठ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजर आहेत. अभ्यंकारण करतो जो इन मराठों ने जिंदगी भी कभी देखी नहीं होगी. जय भवानी. अरे रोंगटे खड़े हो यार. एक्चुअली रोंगटे खड़े. दो तीन सीक्वेंस क्या है इसके अंदर. मेरे को है ना, मैं जो इनके स्टंट्स है ना वही देख रही हूँ. अरे बहुत. अगर आप देखोगे देखो मराठी उसका बजट इतना नहीं होता है तो काफी रिस्क के साथ. जहाँ पे उन्होंने वो शील्ड ऊपर रखा था यहाँ से वो मार के एक को ऐसा मारो तोप में जा. अरे भाई भाई ये थिएटर का एक्सपीरियंस ना बहुत मजा है. पावरफुल डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं. चाह रहा हूँ की मराठी मूवीज का बजट आगे जाके इतना हो जाना, ये सब मूवीज 3D में बना. 3D में अरे वाह. फिर तो जो फील आएगा, फिर तो तीर यहाँ से निकलेगी. फिर तो फील आएगा ना यहाँ से तीर निकलेगी. फिर दुआ करेंगे कि मराठी मूवीज का इतना बजट हो कि दे वो लोग 3D वीडियो में मूवीज ऐसी बना सके ताकि ऑडियंस को और बोलते ना ऐसा फील मजा आ सके. बट जबरदस्त जबरदस्त. और एक शेर की कहानी सुनाई जाएगी अब थिएटर्स में 27 तारीख को. आप पक्का देखेंगे और हमारे ब्लॉग चैनल पे उसका रिव्यू पक्का डालेंगे. तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए. लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन. जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव.